दुनिया ने ये सबक सीखना चाहिए कि आंदोलन करना है तो कैसे करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुई है। दूसरी बात एक स्पष्ट हो गई, आप पूरी देश की जनता के आंदोलन से और एक बात स्पष्ट हो गई कि दिल्ली की पार्लियामेंट है, दिल्ली की संसद है, उससे बड़ी है जनसंसद। जनसंसद यह सबसे बड़ी संसद है और जनसंसद ने जनसंसद के आदेश के कारण दिल्ली के संसद को यह निर्णय लेना पड़ा। देखा कि जनसंसद ये कैसे खड़ी हो गई तो निर्णय लेना पड़ा। आप मेरी विनती है कि इस आंदोलन ने ये विश्वास दिलाया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम निर्माण कर सकेंगे। एक विश्वास निर्माण किया है कि देश का भ्रष्टाचार यहां से खत्म कर देंगे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जो संविधान बनाया है वो संविधान का अमल करने के लिए हम आगे के लिए जो प्रयास करना है उसके लिए भी हमें प्रेरणा दी है। क्योंकि जो परिवर्तन हमें करना है, इस देश में जो परिवर्तन करना है वो संविधान के मुताबिक करना है। अमीर और गरीब का फासला कम करना है। जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर में जो संविधान बनाया उसमें इन बातों को जो सोचा है कि गरीब और अमीर ये लोकशाही के लिए खतरा है, ये फैसला बढ़ना उसको हम कम करना है। आगे परिवर्तन की लड़ाई में ये परिवर्तन में इन बातों के लिए सोचना है। दूसरी बात है, अभी अरविंद जो बताया कि आज जो भ्रष्टाचार बढ़ गया, सत्ता केंद्रित होने के कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। पूरी सत्ता मंत्रालय में एकत्रित हुई है। एक तरफ हम लोकशाही कहते हैं, लोकशाही लोगों ने लोगों के लिए लोक सौभाग से चलाई हुई शाही, और दूसरी तरफ पूरी सत्ता मंत्रालय में इकट्ठी हुई है। ये लोकशाही नहीं, सही लोकशाही तब आएगी सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर वो सत्ता जनता के हाथ में आएगी, तब सही विकेंद्रीकरण होगा। तो वो बात हमें करनी है परिवर्तन में। और अरविंद जी ने जो बताया, जो लोकसभा है, विधानसभा है, ऐसे ग्राम सभा को मजबूत करना। हम ग्राम सभा ये दोनों सभा से ऊंची है। गांव में कोई भी पैसा आता है खर्चा करने के लिए हर योजना का, वो ग्राम सभा को पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का विश्वास संबंधन करके सबको बताना है कि इतना पैसा आ गया, क्या खर्चा करना है, ग्राम सभा तय करेगी। अगर ग्राम सभा को बिना पूछे ग्राम पंचायत में खर्चा किया तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को डिसमिस करेगी। ये हमें करना पड़ेगा, राइट टू रिकॉल वो करना पड़ेगा परिवर्तन में। इन बातों के लिए हमें आगे के लिए सोचना है। इलेक्शन सिस्टम को बदलना है। आज इलेक्शन सिस्टम राइट टू रिजेक्ट 10 मेंबर है, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं, 11वां चिन्ह डाल दिए नापसंदी, 11वां चिन्ह बैलेट पेपर पर डालो नापसंदी। जब जनता देखेगी मुझे एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी का चित्र सामने आएगा तो जनता नापसंदी पर मोहर लगाएगी। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर ज्यादा वोटिंग गिर गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो। पैसा कहां तक बंटवारा करते देखते हैं।
कहां तक पैसा बंटवारा करते हैं। अरे एक एक इलेक्शन का 10 करोड़ रुपया पाने में गया तो इलेक्शन कर लड़ने वालों का दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो काम हमें करना है, इलेक्शन सिस्टम को बदलना है, तब करप्शन कम होगा। किसानों के प्रश्न हैं, आज माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, ये अवस्था है किसानों की। अरे कृषि प्रधान भारत देश में माल खाए मदारी और नाच करे बंदर, उनको न्याय दिलाने का काम आगे के लिए करना, परिवर्तन। ये बाबा साहब अंबेडकर ने तब सोचा है ये सब बातों को, और संविधान में ये सब बातें डाली है, लेकिन अमल नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। तो वो काम हमें करना है। मजदूरों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न को भी हमें छुड़ाना है। शिक्षा क्षेत्र में कई लोग अपने दुकान लगाकर बैठे पैसे कमाने के लिए, उसको हमें बदलना होगा। शिक्षा क्षेत्र में गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, परिवर्तन में इन बातों को सोचना है। और वो लड़ाई अभी शुरुआत हो गई, लोकपाल बिल्स के कारण ये लड़ाई को अभी शुरुआत हो गई है। और इसलिए मैंने आप ये दोनों बच्चे से अनशन को छोड़ा लेकिन पूरा नहीं छोड़ा, स्थगित किया है। जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और तब मेरा अनशन सही अनशन छूटेगा। आज हम देख रहे हैं भूगर्भ और भूपृष्ठ पर हमारी जितनी संपत्ति है उसका शोषण हो रहा, शोषण। महात्मा गांधी कहते थे शोषण करके किया विकास, ये सही विकास नहीं, वो विनाश होगा। आज देश में कई राज्यों का पानी खत्म हो गया, कल पेट्रोल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, रॉकेल खत्म होने वाला है, कोयला खत्म होने वाला है। क्या होगा हमारी जो संतान होगी, 500 साल 1000 साल के बाद आने वाली संतान, उनका क्या होगा, ये हमें सोचना है। कुर्सी में बैठने वालों को ये सोच करने की शक्ति नहीं है, हम लोगों ने ये सोचना है। आज पर्यावरण का जो दूषितकरण बढ़ रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसके बारे में हमें सोचना है परिवर्तन की लड़ाई में। एक बात तो अच्छी हुई कि आप सब भारतीय जनता ने जो 13 दिन अनशन किया उसने एक आशादायी चित्र निर्माण हुआ, ये सब बातें बन पाएगी। अभी असंभव नहीं है, ये संभव है। सिर्फ एक ही है कि आज जन लोकपाल के 3 मुद्दे छूट गए, कल पूरा जन लोकपाल भी मान गया तो हम चुप नहीं बैठना, स्तब्ध नहीं रहना, ये मशाल जलती रखना। जब तक परिवर्तन नहीं आता देश में तब तक ये मशाल जलती रहना, ये जलती रहना है। तो मेरी विनती है नागरिक सभी भाई बहनों के लिए, परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो गई है। जब जब ऐसी बात आएगी, मुझे तो अभी लग रहा है कि संसद इनकार नहीं करेगी, संसद इन मुद्दों को इनकार नहीं करेगी। लेकिन बाय द वे इस संसद में इनकार कर दिया तो ये जन संसद को खड़ा होना पड़ेगा फिर से, इसकी तैयारी हमें रखनी है सब लोगों ने। जन संसद खड़ी होना है, इन मुद्दों को हमें जो आगे लेकर जाना है परिवर्तन की लड़ाई में। 3 बातों के लिए हमें सोचना है। और एक बात मुझे महत्वपूर्ण लगी,
लोग बीजेपी मीडिया स्टैंड पे आ गए, रुकवा दीजिए। ए मीडिया के पास फिर से लोग आगे आ रहे हैं, मेरी विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। एक बात इस देश के लिए, आप सब देशवासियों के आंदोलन के कारण एक लोग एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे भी अभी बहुत प्रेरणा मिली और जोश आ गया कि और भी जब तक परिवर्तन की लड़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा, पूरी देश में घूमते रहूंगा कि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई हम सब लोग संगठित हो गए हैं। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, हम सब संगठित हो गए, बेहोश हो गए भगदड़ में, तो अब बंद करना पड़ेगा। अच्छा, बेहोश हो गए दो चार लोग। आखिरी एक बात कहता हूँ, आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबने टोपी पर लिखा है मैं अन्ना, अगर आगे के लिए आपको अन्ना बनना है तो तीन चार बातों को ध्यान रखना, सिर्फ एक टोपी के नाम से अन्ना नहीं बनेगा, अन्ना बनना है ना तो शब्द और कृति को जोड़ो, कथनी और करनी, शुद्ध आचार जीवन में, शुद्ध आचार रखो, शुद्ध विचार रखो, जीवन निष्कलंक रखो, दाग मत लगना दो जीवन में, शुद्ध आचार शुद्ध विचार निष्कलंक जीवन, त्याग त्याग, ये भूमि त्याग की भूमि है, त्याग करना सीखो, और कोई भी कुछ कहता है अपमान पीना सीखो, ये पांच बातें आपके जीवन में आ जाए तो आप अन्ना बनोगे, और ऐसे अन्ना खड़े हो जाएंगे तो ये देश बनेगा। आज सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंक्लब इंक्लब, जय हिंद। बहुत शांति के साथ सब बैठ जाइए, जहां जो शांत हो जाइए। अन्ना हजारे, उन्होंने कहा कि अनशन उन्होंने स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है, और जब तक जन लोकपाल बिल बन नहीं जाता, ये स्टैंडिंग कमेटी से भी पारित नहीं हो जाता, संसद में कानून नहीं बन जाता, उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव को लेकर कही, राइट टू रिजेक्ट यानी कि नापसंद करने का अधिकार भी इस देश की जनता को मिलना चाहिए। अन्ना ने अपने अगले एजेंडे राइट टू रिकॉल राइट टू रिजेक्ट का यहां से ऐलान किया है, चुनाव प्रक्रिया इलेक्शन सिस्टम में बदलाव की जरूरत दी, कहा कि स्थगित नहीं किया है अनशन को, हमने स्थगित किया है खत्म नहीं किया। एक तरह से अन्ना हजारे ने अगले एजेंडे का भी ऐलान कर दिया है, अन्ना हजारे ने यह भी ऐलान कर दिया है कि सिर्फ जन लोकपाल पारित होने तक ही उनकी लड़ाई नहीं है, और उन्होंने खास बात यह कही, आप सब ने सुना कि अनशन को तोड़ा नहीं है, स्थगित किया है, और उनकी लड़ाई जारी रहेगी, और उसमें खास बात अगला एजेंडा इलेक्शन रिफॉर्म इलेक्टोरल रिफॉर्म, इस देश में चुनाव सुधार की बात बरसों से की जा रही है, अन्ना हजारे ने उसे भी अपने एजेंडे पर शामिल किया है। अन्ना हजारे मंच से जा रहे हैं, आप तस्वीरें साफ देख रहे हैं, किरण बेदी, कई लोग उन्हें सहारा देकर उन्हें मंच के पीछे जो उनका एक शयन कक्ष बना था वहां ले जा रहे हैं, मंच की तस्वीरें आप सीधे रामलीला मैदान से देख रहे हैं, जो खबरें आ रही है एम्बुलेंस वहां पहुंच चुका है, और उसके बाद अन्ना हजारे को यहां से हॉस्पिटल ले जाया जाना है। अनशन का आज 13वां दिन था, 20 मिनट पहले उन्होंने अनशन तोड़ा है, इसके बाद सीधे अस्पताल जाएंगे, वो नरेश त्रेहन के हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है, हो सकता है उन्हें कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़े, तब उनकी रिकवरी होगी। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं रामलीला मैदान से, वापस हम लौटते हैं स्टूडियो में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अन्ना हजारे ने साफ की है, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले, चूंकि बहुत देर से हमने ब्रेक नहीं लिया, कमर्शियल ब्रेक मजबूरी होती है टेलीविजन की, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं स्टूडियो में, बैठे मेहमानों से चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अन्ना ने जिस एजेंडे का ऐलान किया है, अन्ना ने अगर ये कहा है कि लड़ाई अभी बाकी है, अन्ना ने अगर ये कहा है कि अनशन तोड़ा नहीं स्थगित किया है, तो इसके मायने क्या है, ब्रेक के बाद। भारत माता की।